छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को गर्म खाना फ्री में खिलाएगी ताकि कुपोषण से मुक्ति मिल सके, और सरकार गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में अंडा भी बांटने जा रही है ताकि इस लड़ाई में और मदद मिल सके। इसे लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बात की स्वास्थ्य संवाददाता रूपेश, हमारे राजनीतिक संपादक रूपेश गुप्ता ने। छत्तीसगढ़ सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है और ये महत्वाकांक्षी योजना कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ है। आकांक्षी जिले हैं जो केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं, वहां पर एक खास प्रोग्राम लेकर के आ रही है जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। अमरजीत जी, क्या ये योजना है, किस तरीके से चलेगी? यदि अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर कुपोषण के लोग शिकार हैं और उनका जो स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है, विलेज स्टैंडर्ड का उनका रिपोर्ट आया है, उसमें बहुत सारे जिले हैं, उसमें बस्तर के कुछ जिले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के भी जिले हैं, तो नांदगांव वगैरह इसमें आ रहे हैं। तो उन जिलों के लिए एक पायलट प्रोग्राम बना करके वहां पर कुपोषण से कैसे लड़ा जाए उसके लिए एक तैयारी किया गया है। उसमें गर्भवती महिलाओं को और जो बच्चे हैं उनको गर्म भोजन देने का व्यवस्था किया जा रहा है। साथ में आपने और देखा होगा कि स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जा रहा है उसमें भी अंडा वगैरह देने का व्यवस्था किया गया है। तो इससे निश्चित तौर पे जो कुपोषण का समस्या है उससे निपटने में हमको सहूलियत होगा। अभी आप दिल्ली गए थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों से मुलाकात हुई, क्या कुछ खास छत्तीसगढ़ के लिए लेकर के आए हैं? छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यहाँ की जो हमारे परिकल्पना है, जो इसके कार्यक्रम बने हैं उसके अनुसार सभी विभागों से संबंधित हमारा मांग था। सबसे बड़ा था कि नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य विभाग से संबंधित, उसमें धान का खरीदी और नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा चावल तैयार करके और उसको सेंट्रल पूल में और स्टेट पूल में दिया जाता है। उसके बीच में जो सब्सिडी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो 2003 से अभी तक हमारा एक क्लियर नहीं हुआ है। केवल एक लमसम राशि दिया गया है जिससे लोगों का भुगतान करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो उसको बना करके हम लोगों ने अपना लेनदारी के लिए दावा पेश किया है। उम्मीद है कि जल्दी निपटारा उसका हो जाएगा। तो ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो बता रहे थे कि 2 अक्टूबर से खासतौर से आकांक्षी जिलों के लिए जो राज्य सरकार की योजना है वो कुपोषण और एनीमिया से लड़ने में कारगर साबित होगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता।